वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डोमेन ज्वाइन अ क्लाइंट। तो एक्चुअलिटी के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्लाइंट मशीन को डोमेन में कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो डोमेन में ज्वाइन करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ऑनलाइन मेथड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक होता हमारा ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मतलब कि आप पहले से ही एक क्लाइंट मशीन को ऐड करेंगे और डोमेन, उसको हम डिस्कस करें जब हम ऑनलाइन पाएंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन के बारे में। ठीक है, तो ऑनलाइन डोमेन ज्वाइन कैसे करना है, तो आपके सामने एक सिनेरियो मैंने लिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है। ठीक है, जो कि विंडोज 10 है और इसकी जो आईपी एड्रेस है विच इज 192.168.200.99, सबनेट मास्क 255.255.0 एंड देन डिसर्ट डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे जो मैंने आईपी एड्रेस यूज़ किया है वो मैनुअल आईपी एड्रेस यूज़ किया है। एक्चुअल में रियल प्रोटेक्शन में हम लोग डीएससीपी का यूज़ करते हैं, तो फिलहाल अभी हमने डीएससीपी को डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैनुअल आईपी। तो मैनुअली हमने एक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे। प्लस यहाँ पे जो मेक श्योर करें, जब भी आप किसी क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन कराते हैं तो वहाँ पे जो प्राइमरी डीएनएस है में अंदर जो एड्रेस आएगा वो आपके डोमेन कंट्रोलर का आएगा। क्योंकि मेरे पास जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है जिस पर 2019 पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे जो इसका आईपी एड्रेस है 69.192.168.200.69, तो यही आईपी एड्रेस आपको अपने क्लाइंट मशीन के प्राइमरी डीएनएस के अंदर ऐड करना है। तो मेक श्योर करें कि डीएनएस एड्रेस जरूर हो, क्योंकि अगर डीएनएस सर्वर नहीं होगा तो आपका नेटवर्क में ये जो मशीन है ये नेटवर्क पे डोमेन ज्वाइन नहीं होगा। अब डोमेन ज्वाइन हम लोग क्यों करते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को अगर डोमेन ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट क्या मिलता है कि हम उन कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क में सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस सीरीज को जो मैंने स्टार्ट किया था एक्टिविटी उसको एक्टिविटी की जो वीडियो उसको पढ़ें, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी एक्टिविटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे आईपी एड्रेस होना चाहिए, प्लस हमारे पास यहाँ पे डीएनएस के अंदर आपके डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस मशीन में जाऊँगा, जस्ट गो टू माई विंडोज 10 मशीन। यहाँ पे मैंने विंडोज 10 का मशीन लिया हुआ है और अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये मेरा वर्क ग्रुप पे होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो नीचे आपका फोल्डर है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपल। ठीक है, आपको यहाँ पे बस सिंपल क्लिक करना है, सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक एडवांस सिस्टम सेटिंग, तो आपको यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है कंप्यूटर नेम पे, टॉप पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में कंप्यूटर नेम आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको, जस्ट क्लिक ऑन इट। और इसके बाद अभी अगर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कंप्यूटर है वो आपका वर्क ग्रुप पे है, तो इसका वर्क ग्रुप नेम कुछ भी हो सकता है, बट अब ये डोमेन पे ज्वाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आईपी एड्रेस हमने डिस्कस किया था एक बार मैं वो वेरीफाई करवा देता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करें, रन पे जाएं, कमांड टाइप करें ncpa.cpl, कैपिटल में स्मॉल में डजन मैटर, आप ncpa.cpl टाइप करेंगे यहाँ पे, ओके करेंगे और ये आपकी नेटवर्क की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको, प्रॉपर्टीज पे आना है। ये मेरा विंडोज क्लाइंट मशीन है और यहाँ पे आपको TCP/IP वर्जन 4 पे जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आईपी एड्रेस मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.200.99, ये आपका सबनेट मास्क है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है और प्राइमरी डीएनएस यानी जो प्रेफर्ड डीएनएस है वो आपका 192.168.200.69। ये क्या है, मेरे डोमेन कंट्रोलर की आईपी। तो क्योंकि मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है वो एज अ डीएनएस भी काम कर रहा है। ठीक है, तो डीएनएस में इसका नाम जरूर आपको ध्यान रखें, आपको डोमेन कंट्रोलर की आईपी देनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस कंप्यूटर का नाम जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे क्रॉस करें, सीएमडी में जाएं और यहां पे टाइप करें आप होस्ट नेम, तो आप इस कंप्यूटर का नाम देख सकते हैं, client-pc। ठीक है, तो ये इसका डोमेन सॉरी कंप्यूटर नेम है। तो अब हमें क्या करना है, इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराना है। तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए आपको क्या करना है, वही सेम आपको इस वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, नीचे प्रॉपर्टीज पे जाना है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको सेम वही एडवांस सिस्टम सेटिंग में ही जाना है, जहाँ पे हमने अभी यहाँ पे जाना है इस पर एडवांस सिस्टम सेटिंग पे, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले गए थे वैसे ही जाना आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेम पे जाना है,
और यहाँ पे कंप्यूटर नेम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, दिस ऑप्शन इस पे क्लिक करना है आपको, चेंज सेटिंग। और यहाँ पे आपका भी सिस्टम है वो वर्क ग्रुप पे है, तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए आपको यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करना है, और जो आपको आपका डोमेन है, जैसे मेरे केस में जो मेरा डोमेन नेम चल रहा है वो है आपका टैग लैब डॉट लोकल, तो जो भी आपके डोमेन का नाम होगा वही डोमेन नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरे केस में टैग लैब डॉट लोकल है, तो आई विल सी टैग लैब डॉट लोकल, तो ये आपको यहाँ पे टैकलेब डॉट लोकल टाइप करना है यहाँ पे, जस्ट क्लिक ओके बटन। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपके डोमेन का यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब अब यहाँ पे आप अपने डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं, या आप किसी भी यूजर जो भी डोमेन में क्रिएटेड है उस यूजर का आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे डोमेन नेम को एंटर करें तो आपको क्या करना है, आपको अपने डोमेन का नाम देना है लाइक दिस, आपको यहाँ पे टैग लैब लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे फिर आपको सॉरी बैक स्लैश लगा के फिर आपको यहाँ पे आपको अपने यूजर का नाम लिखना है जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आपके डोमेन के नाम के साथ ही आपको उसको लिखना है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ टैग लैब, आपको टैग लैब लिखना है, यहाँ पे बैक स्लैश लगाना है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके डोमेन का यूजर नेम है। तो मेरे केस में मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि एक यूजर आईडी आपके डोमेन में क्रिएटेड होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा हूँ, यहाँ पे डोमेन नेम दे रहा हूँ, और जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अभी पॉपअप आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू टैकलैब डॉट लोकल डोमेन, यहाँ पे वेलकम मैसेज आ गया, तो यहाँ से आपको जस्ट ओके करना है, और यहाँ से ओके करना है, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, और जैसे आपका सिस्टम डोमेन ज्वाइन होगा तो आपको उसको रीस्टार्ट करना है, तो एक बार रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, और जब तक ये रीस्टार्ट होकर आता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये कंप्यूटर जो है हमारा रीस्टार्ट होकर आ गया है, और हमारा ये सक्सेसफुली जो है डोमेन ज्वाइन हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट क्लिक एक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी जो मेरा यूजर नेम है और नीचे अदर यूजर भी आ रहा है, तो और नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे अपना जो टैकलैब जो डोमेन आईडी है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो यानी ये कंप्यूटर सक्सेसफुली डोमेन पे ज्वाइन हो चुका है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब एक टेस्ट कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने डोमेन कंट्रोलर मशीन जो हमारा सर्वर है वहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट करते हैं, और उस यूजर आईडी को यहाँ से हम लॉगिन करके चेक करते हैं कि सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट मीन हमारा जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली डोमेन पे ज्वाइन हो चुका है। तो एक काम करते हैं, जस्ट गो टू योर सर्वर मशीन, यहाँ पे ये DC2K90 मेरा सर्वर है, जस्ट इसको हम लोग साइन इन कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे जो आपके डोमेन का एडमिन का यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है उसका, ये मेरा लॉगिन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट गो टू माई स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, सर्वर मैनेजर पे जाना है, और सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टूल पे आना है, ठीक है। अभी हम लोग यूजर्स के बारे में, यूजर मैनेजमेंट के बारे में अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे हमें यूजर बनाने होते हैं, कैसे मैनेज करना होता है, कैसे ओयू बनाना होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर डेफिनेटली। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीरीज करेंगे उसमें हम एक्टिविटी के पूरा हम सर्वर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूजर को मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के फिलहाल मैं आपको जस्ट एक टेस्टिंग करने के लिए कि हमने सक्सेसफुली जो हमने सिस्टम को अभी डोमेन ज्वाइन करवाया है वो सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो जस्ट गो टू योर क्लाइंट टूल बटन पे जाना, आपको यहाँ पे जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर का ये आपका पैनल आ गया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं ये चीज वेरीफाई करूंगा कि जो कंप्यूटर मैंने अभी डोमेन में ज्वाइन कराया है वो इस पे आया है कि नहीं आया है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं देखिए अभी यहाँ पहले से मैं ओपन हो रखा था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको टूल पे जाना है, मैं दोबारा से एक बार प्रोसेस को बता देता हूँ, आपको स्टार्ट पे आना है, सब मैनेजर पे जाना है, पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे जो हमने सिस्टम को डोमेन ज्वाइन कराया है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हुआ है कि नहीं हुआ डोमेन में। जस्ट गो टू टूल बटन एंड गो टू योर यूजर्स एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके पास ये सारे डोमेन ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप इसको एक्सेस करेंगे तो इस तरह से कुछ होगा, इसको आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे कंप्यूटर का ओयू है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा वो क्लाइंट पीसी जो क्योंकि मेरे कंप्यूटर का नाम था क्लाइंट पीसी, और यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो
जो विंडोज 10 है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। नाउ टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ देखेंगे यूजर नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको और न्यू पे जाना है और हम एक यहाँ पे एक टेस्ट यूजर बना लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया टेस्ट वन, ठीक है, टेस्ट वन के नाम का हमने एक यूजर बनाया, लॉग इन नेम टेस्ट वन दे देते हैं, ये आपका यूजर का नेम है, डिस्प्ले नेम जो भी आपको कराना है, ये आपका लॉग इन नेम है, मैंने टेस्ट वन ही दे दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड आपको जो भी रखना है, तो मैं यहाँ पे ASDF@1234 रख देता हूँ, आप कोई भी पासवर्ड रखना चाहें, ठीक है। अभी पासवर्ड जो है आपको कॉम्प्लेक्स के साथ रखना है, मिनिमम 7 करेक्टर का आपका होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करेंगे कैसे हम इस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो अभी जब भी हम किसी यूजर को जब हम क्रिएट करते हैं और खुद हम पासवर्ड देते हैं तो वहाँ पे हमें पासवर्ड मिनिमम 7 लेंथ करेक्टर का होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है, स्पेशल न्यूमेरिक कीवर्ड के साथ हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो फिनिश करते हैं, यहाँ पे मेरा टेस्ट वन यूज़र जो है मैंने डोमेन मशीन पे क्रिएट किया है और ये मेरा सर्वर है जिसके ऊपर हमने यूज़र को क्रिएट किया है, उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। जस्ट यू गो टू योर क्लाइंट मशीन और क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद मैं यहाँ से इसको लॉग इन करता हूँ, जस्ट कंट्रोल और डिलीट, और यहाँ पे मैं अदर यूज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे अपने उस टेस्ट वन यूज़र को यहाँ पे एंटर करूँगा और पासवर्ड जो भी हमने रखा था ASDF@1234, तो आप यहाँ पे पासवर्ड मेरा देख सकते हैं ASDF@1234, ठीक है। तो टेस्ट वन मेरा यूज़र हो गया जो हमने भी डोमेन पे क्रिएट किया है और ये मेरा पासवर्ड हो गया, देन क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट वन का नाम आ गया, दैट मीन सक्सेसफुली मेरा जो विंडोज 10 मशीन है वो सक्सेसफुली डोमेन ज्वाइन हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका लॉग इन हो गया है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर डोमेन, क्योंकि अभी हमें यूज़र जो है इस कंप्यूटर पर क्रिएट नहीं करना है, अब हमें जितनी भी चीज़ें क्रिएट करनी होगी अभी वो सर्वर पर क्रिएट करनी है और यूज़र जो है सक्सेसफुली यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। तो ये देखिए सक्सेसफुली ये लॉग इन होने वाला है, ये ऑलमोस्ट देयर, और अभी मेरी जो स्क्रीन है ये आ चुकी है, देख रहे हैं। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि एक बार हम टेस्ट वाले यूज़र से ही लॉग इन हुए कि नहीं हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रन पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कीजिए कमांड CMD टाइप करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र का नाम टेस्ट वन आ रहा है जो कि हमने अपने डोमेन सर्वर पे क्रिएट किया था। तो जब हम डोमेन कंट्रोल पे कोई यूज़र क्रिएट करेंगे तो आप इस मशीन पे लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम डोमेन पे ज्वाइन हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे क्लाइंट मशीन को डोमेन के साथ ज्वाइन करना है और हमने सक्सेसफुली लॉगिन करके भी चेक किया कि हमारा ये प्रॉपर तरीके से डोमेन ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस वीडियो हम लोग में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूज़र को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे OU को मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।